हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू योर चैनल चार्ट विद ट्रेड। आज के वीडियो में हम एक पावरफुल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी एंड ग्रैनुअल शेयर का चार्ट का केस स्टडी लेकर डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे कि आप इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को कैसे यूज कर सकते हैं एंड इसका कैसे बेनिफिट आप ले सकते हैं लॉन्ग टर्म में। उससे पहले, अगर अभी तक आप चार्ट विद ट्रेड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। देखिए, हम इस चैनल में जितना भी एनालिसिस किए हैं ना, हमेशा हमारा जो व्यू रहता है कि आने वाले टाइम में चार्ट स्ट्रक्चर क्या बन सकता है। लेकिन जो ग्रैनुअल शेयर आज हम कैस्टर लेकर आज का जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को हम कवर करेंगे, ये ऑलरेडी हो गया है, बस हम पास्ट को रिव्यू कर रहे हैं। लेकिन जिस टाइम में इस सेटअप बन रहा था ना, उसी टाइम मेरे से भी ये स्टॉक मिस हो गया था। देखिए, हम बहुत सारे स्टॉक को बाय किए हैं जब प्राइस मल्टीयर का सपोर्ट के पास आसपास आया था, लेकिन ग्रैनुअल शेयर जो है, ये स्टॉक का प्राइस जो है ना, मेरे से मिस हो गया है। इसमें ना मैं एनालिसिस कर पाया ना मैं खुद बाय किया था, लेकिन इस सेटअप पर क्या प्राइस एक्शन बना था एंड क्यों आपको अगर किसी भी चार्ट स्ट्रक्चर में ना इस टाइप का सेटअप बनता है, वहां पे आपको बाय करना ही करना है एंड 95% टाइम आप वहां पे प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो चलते हैं आज का स्ट्रेटेजी के ऊपर। देखिए, आपके स्क्रीन के सामने ये जो चार्ट ओपन हुआ है, ये ओपन हुआ है ग्रैनुअल्स इंडिया का एंड यहाँ पे जो मैं टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हूँ वीकली। देखिए, जब भी आप इस स्ट्रैटेजी को यूज करेंगे ना, हमेशा आपको लॉग चार्ट यूज करना है जो कि आपका चार्टिंग प्लेटफॉर्म का राइट साइड बॉटम में आपको मिल जाएगा। एंड देखिए, यहाँ पे जो मैं टाइम फ्रेम सिलेक्ट किया हूँ वीकली, जैसे कि आपको पता होगा, हम इस चैनल में मल्टीपल टाइम एनालिसिस किए हैं कि स्टॉक का प्राइस जो है ना, हमेशा चैनल के अंदर चलता है। अगर डाउन मूव में चल रहा है तो वहाँ पे डाउन ट्रेंड चैनल, अगर अप मूव में चल रहा है वो एक अप ट्रेंड चैनल के अंदर चल रहा होगा। 2007 से ना प्राइस देखिए इस चैनल को यहाँ पे फॉलो कर रहा है एंड इस चैनल का लोअर बाउंड्री के आसपास जब भी प्राइस आया है, प्राइस को देखिए यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिला है एंड अपर बाउंड्री के आसपास प्राइस जब भी गया है, प्राइस को यहाँ पे सप्लाई आया है एंड एग्जैक्टली देखिए प्राइस यहाँ पे ना जो उसका मल्टीयर का सपोर्ट था उसको टेस्ट किया था। जो हमारा पहला इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी था वहाँ पे कवर कर दिए थे कि मल्टीयर का सपोर्ट के आसपास बाय करना है, लेकिन यहाँ पे हम 3 स्टार इसको इसीलिए बोल रहे हैं ना, यहाँ पे हमको एडिशनल 2 पॉइंट और ऐड करना है अगर वहाँ पे रिलायबिलिटी थोड़ा इंक्रीज करना है। तो देखिए, मल्टीयर का सपोर्ट के आसपास तो आपको बाय करना ही करना है, लेकिन आज जो 2 पॉइंट हम ऐड करेंगे, इस 2 पॉइंट अगर वहाँ पे बन जाता है ना, वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहता है वहाँ पे एंट्री करने के लिए विदाउट एनी फियर। तो वहाँ पे हम 2 टूल यूज करेंगे, पहला हो गया RSI का एंड जो दूसरा टूल हम यहाँ पे यूज करेंगे वो करेंगे कैंडलस्टिक का। आप सबको कैंडलस्टिक के बारे में पता होगा, जैसे कि हमर नहीं तो डोजी, ये सब तो जनरल नॉलेज है चार्ट एनालिसिस करने के लिए। आई होप के आपके पास वो नॉलेज होगा एंड अगर नहीं है तो ऑलरेडी हम चैनल में बहुत बार एनालिसिस कर रहे हैं, तो आप बैक करके देख सकते हैं। देखिए, मल्टीयर के आसपास अगर RSI में डाइवर्जेंस देखने को मिलता है तो वहाँ पे के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा। देखिए, जो ब्लैक लाइन जा रहा है ना, ये हो गया मल्टीयर का सपोर्ट लेवल एंड यहाँ पे जो ब्लू लाइन जा रहा है, ये हो गया RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर आप देखेंगे तो देखिए प्राइस ना यहाँ पे देखिए एक नया लो यहाँ पे लगाया था, लेकिन RSI इंडिकेटर जो है ना, देखिए नया लो यहाँ पे नहीं लगाया, मतलब यहाँ पे RSI इंडिकेटर जो है ना क्लियर कट एक बुलिश डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा है, मतलब हाई प्रोबेबिलिटी कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल हो सकता है। उसके साथ यहाँ पे मल्टीयर का सपोर्ट भी जा रहा है एंड देखिए RSI जब डाइवर्जेंस शो करेगा ना एंड प्राइस वहाँ पे जिस भी टाइम फ्रेम में आप एंट्री कर रहे हैं, मानिए आप वीकली टाइम फ्रेम में एंट्री कर रहे हैं एंड RSI जब डाइवर्जेंस शो करेगा ना, वही कैंडल मिनिमम 50% नीचे से रिजेक्शन आना चाहिए। देखिए, यहाँ पे डोजी भी बन सकता है, नहीं तो हामर भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर नीचे से 50% प्राइस रिजेक्ट कर लेता है, उसका मतलब है कि नीचे के लेवल में कोई बायर यहाँ पे खड़ा है जो बाय करने के लिए रेडी है। वो एक साइन है कि आने वाले टाइम में प्राइस में एक स्ट्रांग मूवमेंट आ सकता है, क्योंकि ऑलरेडी तो प्राइस उसका मल्टीयर का डिमांड जोन के आसपास है ना, उसके साथ यहाँ पे RSI डाइवर्जेंस हो गया है तो यहाँ पे और एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया है। और उसके साथ अगर कैंडल नीचे से 50% रिजेक्शन कर लेता है, वहाँ पे फटाफट एंट्री कर लेना है एंड आपको वहाँ पे वेट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है,
95% टाइम स्टॉक का प्राइस यहाँ से बाउंस करता है। ऐसे भी मल्टीयर का सपोर्ट के आसपास अगर स्टॉक का प्राइस आता है वहाँ से प्राइस बाउंस करता है, लेकिन अगर RSI डाइवर्जेंस एंड कोई भी कैंडल में रिजेक्शन आ जाता है मल्टीयर का सपोर्ट के आसपास ना, वो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा। आप जाकर चार्ट में देख सकते हैं इस टाइप का सीनेरियो जहाँ पे बनता है ना, वहाँ पे आपको बाय करना ही करना है। आप स्ट्रैटेजी को क्यों यूज करेंगे, क्योंकि अगर आपको वहाँ पे फायदा हुआ तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट क्या है। प्रॉफिट यहाँ पे है कि आपको ना सबसे लो रिस्क जोन पर आपका एंट्री बन जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से प्राइस नीचे आएगा ना उसके बाद तो चार्ट यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाएगा एंड मैक्सिमम टाइम वो कभी होता नहीं है। अगर इस टाइप का सेटअप में ना आपको 10 स्टॉक मिल जाता है एंड 3 से 4 स्टॉक आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है ना, जो बैलेंस 6 स्टॉक जो है ना आपको यहाँ पे 100% 200% 500% रिटर्न दे सकते हैं। बस आपके लिए रिस्क लिमिटेड है एंड अपसाइड स्टॉक का तो हमेशा से अनलिमिटेड है, इसलिए आपका सबसे लो रिस्क जोन बन रहा है अगर मल्टीयर का सपोर्ट के आसपास RSI डाइवर्जेंस एंड कैंडल में 50% का रिजेक्शन आ जाता है, एंड नहीं तो प्राइस वहाँ पे डोजी नहीं तो हैमर कुछ भी बना देता है वहाँ पे आपको एंट्री कर लेना है, एंड जो भी कैंडल बनेगा उसके लो के नीचे आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप बेटर कॉन्फर्मेशन चाह रहे हैं ना, जो भी कैंडल यहाँ पे सपोर्ट लिया होगा वही कैंडल का हाई जब क्रॉस करेगा प्राइस वहाँ पे आप एंट्री कर सकते हैं एंड स्टॉप लॉस वही कैंडल का लो के नीचे दे सकते हैं। नहीं तो आप परसेंटेज वाइज कुछ भी रख सकते हैं 5% 10%, क्योंकि मल्टीयर का सपोर्ट के आसपास प्राइस हमेशा से जिगजैग मूव करता है। इसीलिए आपका क्वांटिटी रिस्क को मैनेज कीजिएगा एंड इस टाइप का पावरफुल स्ट्रैटेजी को आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूज कीजिएगा। इंपॉर्टेंट है कि चार्ट के ऊपर आपका बिलीव होना चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग आपको गाइड करेंगे नहीं चार्ट काम नहीं करता है, एक्चुअली चार्ट तभी काम करता है जितना बड़ा टाइम फ्रेम में आप एनालिसिस करेंगे। छोटा टाइम फ्रेम में भी काम करता है लेकिन वहाँ पे रिलायबिलिटी थोड़ा लो रहता है। आप जितना बड़ा टाइम फ्रेम में उसको एनालिसिस करेंगे ना वहाँ पे आपका प्रॉफिटेबल का रेशियो इंक्रीज हो जाएगा। आई होप कि आज का जो एनालिसिस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आपका स्ट्रैटेजी बिल्डअप करने के लिए एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप वीडियो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।